बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल लेमोनेड फैमिली। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ, ये वही जगह है जहाँ पर एक तरफ मवेशी मंडी लगी थी, दूसरी तरफ फूड फेस्टिवल था। लेकिन मवेशी मंडी की जो वीडियो थी मैंने अलग से अपलोड की थी, क्योंकि ऐसे मिक्सअप सा हो जाना था तो मैंने सोचा था कि अलग अलग इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये रहा जी फूड फेस्टिवल, जिसमें यहाँ पर इनके मज़ेदार से जो ये खाने खाते हैं, इनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार होते हैं। हमें बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, लेकिन ये हम लोग देखने आए थे कि देखें से इनके खानों में क्या क्या होता है। बहुत सारे खानों का हमें पता है, लेकिन बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिनका हमें बिल्कुल नहीं पता। ये देखे जी, यहाँ पर इनके मुख्तलिफ किस्म के कलरफुल ड्रिंक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे कलरफुल ड्रिंक्स हैं। समझ नहीं आ रही कौन सा ट्राई करें और कौन सा ना करें। खैर, आगे आपको दिखाते चलूँ, ये देखें कितने सारे कलरफुल ड्रिंक्स हैं। इसके अलावा एक और बात बताती चलूँ, ये लोग अपने ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा आइस यूज़ करते हैं। ये फुल ग्लास आइस का भर के फिर इसमें ये ड्रिंक डालते हैं, तो हम लोग इतनी आइस यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम लोग का जब हमने लेना हो तो हम आइस कम यूज़ करते हैं। और ये देखे जी, आइसक्रीम स्टिक्स लग रही है ना, आइसक्रीम स्टिक्स, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं है, कुछ और, ये चिकन का कुछ बना के रखा हुआ है। इसके अलावा ये पता नहीं क्या है, क्या सेल कर रहा है, समझ नहीं आ रही थी नाम के, कुछ चीज़ों के तो मुझे नाम नहीं आते। इसके अलावा ये अरबियों का कुछ, ये अरबियों का स्टॉल है, और ये है, इसको हम खुनाफा कहते हैं, और ये लाइक मिठाई जैसा होता है ये ना। तो यहाँ इनकी शॉप पर भी बहुत ज्यादा रश होता है, लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। और ये जी इनको अश्वारमा लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने खा के ट्राई किया हुआ है, सिर्फ खाली चिकन लगा के और मायनीज लगा के दे देते हैं हम लोगों ने, और होता भी बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके मुझे नाम बिल्कुल नहीं आते, तो सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। जिन चीज़ों के नाम आते हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये देखे, यहाँ पर भी इन्होंने अश्वारमा लगाया हुआ है। ये यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अश्वारमा लगाया हुआ है स्टॉल। और साथ में ये जी चिकन फ्राइज, देखने में तो बड़े मजेदार लग रहे थे, तो ये चिकन फ्राइज लगा के बैठे लोग खा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। इसके अलावा ये पता नहीं क्या है, इनके सी फूड्स वगैरह पड़े हुए हैं जिनके मुझे नाम बिल्कुल नहीं आते, प्रॉन्स वगैरह हैं। और इसके अलावा ये सूप की कुछ चीजें हैं, यहाँ पर सूप वगैरह बन रहा है। और ये देखें जी, साथ में ये छोटे छोटे बॉक्सेस में पता नहीं क्या बना बना के रखा हुआ, ये साथ में शक्करकंदी भी बनाई हुई है। इसके अलावा ये साथ में ओजरी का सूप बन रहा है, ये देखे जी ओजरी पड़ी हुई है आपके सामने, ओजरी का सूप बना हुआ है, बड़ा सारा पतीला है, इसके अंदर ओजरी का सूप है। साथ में उन्होंने ऊपर बॉयल करके रखी हुई है ताकि जब वो सूप डाल के देंगे साथ में दे देंगे। इसके अलावा ये यमी यमी ड्रिंक्स फिर से एक बार सामने आ गए। ये मुख्तलिफ किस्म का स्टॉल है, पर इधर थोड़े से डिफरेंट किस्म के ड्रिंक्स पड़े हुए हैं। वैसे बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छे से कवर करके रखा होता है इन लोगों ने। और ये टोटल पूरा बाजार है, यहाँ पर कपड़े वगैरह भी थे बच्चों के। वैसे हमें तो ये फूड फेस्टिवल देख के, रंग बिरंगे खाने देख के, रंग बिरंगे जूसेस वगैरह देख के समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये पता नहीं क्या चीज पड़ी हुई थी, नाम तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या चीज है। और ये रहा नासी का स्टॉल, नासी यहाँ पर चावलों को कहते हैं। ये है नासी आयम, नासी बिरयानी, नासी क्रोपो, नासी, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के चावल वगैरह मिल रहे थे। आगे नेक्स्ट स्टॉल पे ये टॉमयम सूप था। इतने सारे रंग बिरंगे खाने देखकर अब तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कुछ खाएं, क्योंकि ज्यादातर इनके खाने ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, इसलिए कम ही हम लोग इनके खाने खाते हैं। चावल वगैरह खा लेते हैं या फिर कोई सूप वगैरह पी लेते हैं। इसके अलावा हम इनके ज्यादातर खाने नहीं खाते क्योंकि इनके खानों में ज्यादातर फिश वगैरह मौजूद होती है। और ये देखे, एक तरफ इन लोगों ने चेयर और टेबल्स वगैरह सेट किए हुए थे ताकि लोग इजिली यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खा सके, तो हम लोग भी यहाँ पर बैठे थे। हम लोगों ने भी सोचा कि पहले कुछ बाय कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं, ये फ्रूट्स वाला स्टॉल कितना जबरदस्त लग रहा है, इसमें सारे ओरिजिनल फ्रूट्स लगे हुए हैं। ऊपर ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे थे ये फेक थे, और जो ये नीचे फ्रूट्स पड़े हुए थे ये बिल्कुल ओरिजिनल थे। वैसे ये जो फूड फेस्टिवल था ये पहली दफा हमारी तरफ लगा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये फूड फेस्टिवल देखा था। वैसे तो यहाँ पर बहुत कुछ होता है, लेकिन फूड फेस्टिवल पहली दफा लगा था तो सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। और ये देखे जी पास्ता, यमी यमी पास्ता। वैसे आप लोगों में से पास्ता किस किस को पसंद है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा ये देखे जी बड़ा सारा पतीला पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, क्या इसे कहते हैं, पतीला देश की जो भी है। खैर, ये पता नहीं इसके अंदर सूप बन रहा था। ऐसे इनके सूप काफी मजेदार होते हैं, मैंने जितनी दफा भी ट्राई किया मुझे पसंद आता है। और इसके अलावा ये देखे डायनासोर की क्या चीज थी ये, इसके नीचे क्या लिखा था, ड्रैगन स्मोक बिस्किट, हाँ बिस्कुट असली, पता नहीं अब ये क्या था। ये इसको खाने के बाद ना आपके मुंह से ना इतना सारा धुआं निकलता है जैसे ही आप इसको मुंह में डालते हो ना, तो जैसे डायनासोर के मुंह से वो आग सी धुआं सा नहीं निकलता होता है, ऐसे इसको खाने के बाद आपके मुंह से धुआं निकलता है। खैर, साथ में ये हॉट डॉग जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये है कोकोनट वाटर जो कि फ्रेश होता है, इसको तोड़ के फ्रेश आपको पानी निकाल के देते हैं, हम लोग तो बहुत शौक से पीते हैं। कोकोनट वाटर आपकी हेल्थ के लिए भी काफी जबरदस्त होता है। इसके अलावा ये है नासी का स्टॉल, जहाँ पर डिफरेंट किस्म के चावल मिल रहे हैं, साथ में चिकन के पीस
पीस और नसियर वगैरह जो इनकी डिशेस के नाम है वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और ये है टोटल व्यू, वो लास्ट तक स्टॉल्स लगे हुए इधर भी इधर भी, और साथ में ये स्टेज बना हुआ है जहाँ पर ये लाइटिंग वगैरह निकल रही है। अब पता नहीं यहाँ पर क्या होना था क्या नहीं होना था। हम लोग तो यहाँ पर जल्दी आ गए थे, मगरिब हो गई थी और हमने टोटल बाजार का विजिट भी कर लिया था। अब हम लोगों ने घर वापस जाना था, उससे पहले हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ खा पी लिया जाए। और यहाँ पर जी मैं सारे बाजार का विजिट करने के बाद थक गई थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। फिर फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के खाया शवारमा, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, और बच्चों ने खाया चिकन विंग्स, साथ में सॉस बहुत मज़ेदार थी। और ये है बोम्बा टी, जो कि मेरी बेटी अपनी पसंद से लेके आई थी, लेकिन बाद में उसका पीने को दिल नहीं कर रहा था, कहती मामा आप खुद ही पी लो। ऐसे आज बच्चों के साथ हम लोगों ने मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और साथ में ये था मिनी जू, जो कि अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं थी, खैर हम लोगों ने बस वैसे ही देख लिया था। तो गाइज आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।